एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। हम लोग देख रहे थे हमारी मैप मेकिंग की क्लासेस, ऑलरेडी कई सारी क्लासेस हम लोगों ने देख रखा है। कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले अगेन ही हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं एंड दीज आर द अवेलेबल कोर्सेज, और इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन की नई सीरीज स्टार्ट हो गई है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम होती है पास्ट ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में या फिर कोई डाउट होता है तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आई स्पेशली रिकमेंड यू टू गो फॉर दैट सीरीज, क्योंकि वो उस सीरीज में आपको काफी इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर पास्ट ईयर के क्वेश्चन तो डिस्कस ही किए गए हैं, साथ में कई सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं जो कि पास्ट ईयर के ही पैटर्न पे बताया गया है। चलिए खैर, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो फॉर मेन्स क्लासेस, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो हम लोगों ने डे सिक्स में कुछ ये लोकेशंस की आपको बोला था, लोकेट करिएगा, इसके बारे में लिखिएगा। तो अगेन अब ठीक हो गया है पैटर्न आप लोगों के लिखने का, बाकी उसके बाद से कंटिन्यू रखिए, यही सब आगे काम आएगा आपके। स्टार्ट करते हैं फटाफट लोकेशन। सबसे पहले हमारी ट्रांस हिमालयन पीक है, फिर इसके बाद हिमाद्री पीक है, देन पूर्वांचल पीक है, गुरु शिखर है और सरकला धूपगढ़ पीक है। ट्रांस हिमालयन ये तो आपको पता ही है सीधे सीधे कि ये जम्मू कश्मीर में चला जाएगा, हालांकि ये जम्मू कश्मीर में नहीं अब लद्दाख प्रोविंस में चला गया है, तो ये लद्दाख यूटी में चला गया है। हिमाद्री हिल्स के बारे में आप बता देंगे कि हाँ ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन द स्टेट इन द यूटी ऑफ लद्दाख, अगेन आ जाएगी ये, ठीक है। दूसरी तीसरी पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो आपको पता ही है। गुरु शिखर ये राजस्थान में माउंट आबू में, सरकला जो है आपका आ जा रही होती है गुजरात में, दिस इज इन गुजरात और गिर हिल्स के पास में है। धूपगढ़ आपको पता चल जाएगा कि दिस इज इन मध्य प्रदेश, और ये आ जा रही होती है जहां पर महादेव हिल खत्म हो रही होती है। धूपगढ़ इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है एक्चुअली। चलिए खैर, फटाफट लोकेट कर लेते हैं। यहां पर जो आपका ट्रांस हिमालयन पीक है, आप इसको ट्रांस हिमालयन पीक को बना लीजिए, दिस इज हियर ट्रांस हिमालयन, तो दिस इज मैं पास बना दिया एक्चुअली, ये इस तरीके से बनेगा, दिस विल बी लाइक पीक, दिस इज ट्रांस हिमालयन, क्लियर है क्या चीज है। फिर उसके बाद हिमाद्री, ये हिमाद्री बना लीजिए, दिस इज हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री पीक। नेक्स्ट इसके बाद से आ जाता है गिर हिल्स के पास में, ये आपका सरकला आ जाएगा, तो दिस इज लाइक सरकला, दिस इज सरकला, क्लियर। धूपगढ़ बना देंगे, दिस इज धूपगढ़ हियर महादेव हिल्स के पास में, तो दिस इज धूपगढ़, क्लियर हो गया क्या चीज है। और यहां पर आप बना देंगे बड़ी रेंजेस में मार्क में इस तरीके से पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गारो खासी जयंतिया पतकाई भूम ये सब इसी में आ जा रही होती है, तो ये हो जाएगी पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स, क्लियर हो गया क्या चीज है। इसके अलावा कुछ और भी है क्या, 1 2 3 4 5 एनी अदर लोकेशन, यस गुरु शिखर, तो गुरु शिखर आप बना लेंगे यहां पर, दिस इज गुरु शिखर, यहां पर माउंट आबू के पास में आप बना देंगे कि ये है आपकी गुरु शिखर, क्लियर हो गया क्या चीज है। तो लोकेशन आप लोगों ने लोकेट कर लिया, अब जरा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में सोल्यूशन देख ले रहे होते हैं। ट्रांस हिमालयन पीक सीधी सीधी बात है, दिस इज पीक इन लद्दाख, दिस इज ये जरा गौर करिएगा आप लोग, लद्दाख लिखिएगा, द पीक इज इन द लद्दाख एंड नॉट इन द रेंज ऑफ काराकोरम, दिस इज द हाइएस्ट पीक विच हैज हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू, द रीजन इज अंडर वेरी लो टेम्परेचर एंड द कंडीशंस आर नॉट लाइफ सस्टेनिंग या थाइंग कंडीशन आप बोल सकते हैं इसको। हिमाद्री पीक के बारे में बता देंगे, द हिमालयन रेंज आर स्प्रेड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बरवा, तो वेयर जास्कर एंड ग्रेट हिमालयन रेंजेस आर नदन माउंटेन रेंजेस विच इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, तो यहां पर जो होती है हिमाद्री पीक आ जा रही होती है। तो देखिए आपको केवल और केवल गेम प्ले करना है यहाँ पर, वर्ड्स का गेम प्ले विद द वर्ड्स, और कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता है आपको, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आप तक पड़ी हुई है वही आपको लिखना है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था लोकेशन आप बताइएगा, साथ में अगर इसकी कुछ इकोनॉमिकल या इकोलॉजिकल वैल्यू है, ट्राइबल कोई चीज है, फॉरेस्ट वगैरह है तो बता दीजिए, काम खत्म हो गया। कोई रिवर निकल रही है तो वो बता सकते हैं, कोई करंट इवेंट्स अगर इससे जुड़ा हुआ है तो वो बता सकते हैं, सारा कुछ बता सकते हैं। पूर्वांचल पीक के बारे में आ जाइए, द हिल लाइज इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, द फॉर्मेशन ऑफ रेंज सिमिलर टू हिमालयन, जिस तरीके से हुआ है वैसे ही यहां पर भी हो जा रहा होगा। सम ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द रेंज इंक्लूड वॉट, इसकी स्टीप स्लोप हो जाती है, कोनिकल पीक्स एंड डीप वैलीज है। इनफैक्ट अगर आप यहां पर एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि दिस इज गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया हो गया, इसके अलावा पतकाई बूम हो गई, दिस इज ऑल्सो हियर पतकाई बूम हो गई, ठीक है, बरेल रेंज हो गया, ये भी यहीं पर आ जा रही होती है बरेल रेंज, तो ये सारा का सारा जो होता है यहीं पर इसी पीक में आ जा रही होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल लोकेशंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, बल्कि जो होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाई जाती है, ट्रॉपिकल डेसीडुअस पाया जाता है।
तो काफी अच्छा एक फॉरेस्ट रीजन मिल जाता है हमें। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती है यहाँ पर, स्लैश एंड बर्न, तो ये सब चीजें बहुत आराम से आप लिख सकते हैं। बस ये होता है कि आपको वर्ड्स के फॉर्मेट में और जितना अच्छा आप लिख पा रहे हो उसके फॉर्मेट में हो रहा होता है। गुरु शिखर के बारे में बात करें तो इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान, लोकेटेड इन माउंट अबू, कोई दिक्कत नहीं है। द पीक इज अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ टूरिज्म एंड हैव हाई इकोनॉमिकल वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे आप इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है धूपगढ़। धूपगढ़ के लिए मैंने आप लोग को बताया ही कि इट इज इन द महादेव हिल्स, सतमाला हिल्स के पास में, महादेव रेंज में है ये, छत्तीसगढ़ के पास में। इट इज द पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश की कह लीजिए कि वहां की हिल हिल स्टेशन है। दिस इज द हिल स्टेशन ऑफ एमपी, ठीक है, ऑफ ग्रेट हाइट। द रीजन इज फुल ऑफ साल्टी फॉरेस्ट विच इज हैव हाई इकोलॉजिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल वैल्यू, तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकला गुजरात में आ जाएगा, गिल रेंज में, अरोबी काठियावाड़ अपलैंड में। दिस इज डेंसली फॉरेस्टेड पीक एंड स्ट्रक्चरली इनकॉर्पोरेटेड बसाल्ट एंड ग्नेस, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से पूरी की पूरी लोकेशन को आपने दिखा दिया, आपको उसके बारे में बता दिया, ऑल दैट सब कुछ चीजें हो गई, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली क्या कुछ है। 16 दिन से तो हम लोग आइडिया ही ले रहे हैं, तो खैर नाउ द डे हैज कम, 17वें दिन का आपको लोकेशन ले लीजिए। कौन सी लोकेशन है, एक तो अमरकंटक आपको बताना है, फिर महेंद्रगिरी बताना है, बैलाडीला, अन्ना मोडी, दोदा बेटा, फिर उसके बाद से दिस इज दोडा, एक्चुअली बोडा नहीं, दोदा बेटा, ठीक है। महाबालेश्वर के बारे में, कुद्रेमुख के बारे में बता दीजिएगा। तो ये आपके लिए लोकेशन लोकेट करिएगा, इसको आंसर लिखिएगा, आंसर लिख करके यू कैन सेंड टू अस, हम लोग को भेज सकते हैं रिव्यू करने के लिए। रिव्यू करके आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपको क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कोई अदर डाउट होता है तो यू कैन रीच अस बाई ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।